Steppers, makes more jealous, I get expensive taste. Gas pack, loud weed, smoking, I'm waking the neighbors. People do quick to change. When I see I got my change up, I see the ones the same. My brothers, they my day ones. They do anything for a dollar, just they hit it a Gucci. I stay with my guys, it's never a problem. Shit, I be lit like a movie. I stay in the booth, I'm never outside. I stay on my grind, it's on me. So hit on my line, it's feeding my dimes. The bread, the butter, or blue cheese. I need the cheese, bread, cake, cash. Walking this bitch, blowing straight. Bitch, I need that check fast. She give me neck and a jet lag. Clean up on Nike and heavy bag. Tired of time, I got jet lag. She want me to come stretch that. He got problems, get head bag. Toe tag, so sad. तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है वन शॉट गाइस हर कोई मारता है. लाइक गाइस 10 साल का बच्चा भी वन शॉट मारता है एंड 20 साल का बच्चा भी वन शॉट मार लेता है. बट गाइस यहाँ पे उन दोनों के बीच पे डिफरेंस क्या होता है गाइस, जो 10 साल का बच्चा होता है वो स्लो हेडशॉट मारता है, इनका जो 20 साल का बच्चा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो एकदम स्पीड में हेडशॉट मारता है. सो गाइस इस वीडियो में आज आपको स्पीड में वन शॉट कैसे मारते हैं उसके आपको मैं 10 ट्रिक्स बताऊंगा, जिसको गाइस अगर आप फॉलो करोगे तो गाइस उससे होगा कि आपका एकदम स्पीड में हेडशॉट लगने लगे, वो भी गाइस एकदम पीसी प्लेयर की तरह. गाइस आपने बड़े बड़े प्रो प्लेयर के मोंटेज वीडियो में नोटिस करा होगा, जब भी गाइस वो वन शॉट हेडशॉट मारते हैं तो गाइस उनके वन शॉट हेडशॉट में एक चीज जरूर रहती है जो है कि गाइस स्पीड. मतलब कि जब भी वो वन शॉट मारते हैं तो गाइस वन शॉट मारते वक्त उनमें गाइस स्पीड काफी ज्यादा रहती है. तो गाइस इस वीडियो में आज आपको ऐसे ही स्पीड हेडशॉट मारने का एकदम ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसे गाइस अगर आप फॉलो करोगे तो गाइस वहां पे आपका वन शॉट हेडशॉट एकदम स्पीड में लगने लगेगा. एंड गाइस अगर आप स्पीड में वन शॉट हेडशॉट मारना सीख जाओगे तो उसके बाद गाइस आप इजीली राइस्टर जैसा मूवमेंट करके वन शॉट मार पाओगे. एंड गाइस वाइट एफएफ एंड जैक एफएफ जो गाइस एकदम ओपी वन शॉट मारते हैं उनकी तरह मूवमेंट करके वन शॉट मार पाओगे. याला वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो. चलो गाइस अब हम एक छोटे से इंट्रो के बाद अपने इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है अभी गाइस हमारा वेपन स्विच का जमाना चल रहा है. मतलब कि गाइस जो भी बंदा प्रो प्लेयर होता है वो ऑलवेज अपने वेपन स्विच वाले बटन का यूज करके वन शॉट मारता है. सो गाइस जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैं भी वेपन स्विच वाले बटन का यूज करके वन शॉट मार रहा हूँ. एंड गाइस जब मैं याले ट्रिक का यूज करके वन शॉट मार रहा हूँ तो आप खुद ही देख सकते हो मेरा स्पीड कितना ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब कि गाइस अगर आप वेपन स्विच वाले बटन का यूज करके वन शॉट मारने जाते हो तो गाइस आपका यहाँ पे वन शॉट काफी ज्यादा फास्ट लगता है. एंड अगर आप अपने वेपन स्विच वाले बटन का यूज करके मोंटेज बनाते हो तो गाइस यहाँ पे आपका मोंटेज भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है. एंड गाइस ये यही रीजन है जिस वजह से बहुत सारे प्रो प्लेयर वन शॉट मारते वक्त अपने वेपन स्विच वाले बटन का यूज करते हैं. सो गाइस अगर आपको यहाँ पे एकदम फास्ट वन शॉट मारना है तो उसके लिए आपको भी यहाँ पे अपने वेपन स्विच वाले बटन का यूज करना रहेगा. एंड गाइस मैंने वेपन स्विच वाले बटन का यूज करके हेडशॉट कैसे मारते हैं इसके ऊपर गाइस मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. फ्रेंड्स हम सभी को स्टील एनिमी को हेडशॉट मारना तो आता ही है. मतलब कि गाइस अगर हमारे सामने एनिमी खड़ा रहता है तो गाइस हम उस एनिमी को इजीली हेडशॉट मार देते या फिर वन शॉट मार देते. बट गाइस अगर हम वहीं पे बात करें अगर हमारे सामने से एनिमी ऐसे उछलता हुआ जा रहा होगा, मतलब कि गाइस वो हमारे सामने से क्रॉस बाइस रन कर रहा होगा, तो गाइस ऐसे एनिमी को हमें हेडशॉट मारना नहीं आता. मतलब कि गाइस हम तो स्टिल एनिमी को बड़ी इजी से हेडशॉट मार देते हैं. बट गाइस अगर हमारे सामने से एनिमी लेफ्ट या फिर राइट को भाग रहा होगा तो गाइस हम उस एनिमी को हेडशॉट नहीं मार पाते. सो फ्रेंड्स अगर आपको अपने लेफ्ट या फिर राइट में भागते हुए एनिमी को हेडशॉट मारना है तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आप यहाँ पे रोटेशन रैकेट टेक्निक का यूज कर सकते हो. मतलब कि गाइस अगर आपका एनिमी राइट को भाग रहा है तब आप अपने फायर वाले बटन को राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हो. एंड अगर आपका एनिमी लेफ्ट को भाग रहा है तब अपने फायर वाले बटन को लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर सकते हो, मतलब कि रोटेट करके ड्रैग कर सकते हो. एंड गाइस मैंने रोटेशन ड्रैग के ऊपर एक सेपरेट सा वीडियो भी बनाया है, तो गाइस अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा.
सो गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग जब हेडशॉट मारने जाते हैं तो गाइस वो हेडशॉट मारते वक्त अपने जॉयस्टिक वाले बटन को प्रेस करते हैं, लाइक गाइस वो फायर करते करते अपने जॉयस्टिक वाले बटन को प्रेस करके अपने कैरेक्टर को मूव करते रहते हैं। सो गाइस अगर आप ऐसा मिस्टेक करते हो तो ये काफ़ी बड़ी गलती है, बिकॉज गाइस अगर आप अपने जॉयस्टिक वाले बटन को प्रेस करके हेडशॉट मारने जाते हो तो गाइस इससे होता है कि आपका मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप गाइस खुद ही सोचो, अगर आप अपने जॉयस्टिक वाले बटन को प्रेस करके हेडशॉट मारोगे तो इससे आपका स्पीड हेडशॉट कैसे लगेगा। एंड गाइस जॉयस्टिक को प्रेस करने का दूसरा फायदा ये भी होता है कि गाइस अगर आप अपने जॉयस्टिक वाले बटन को प्रेस करते हो तो इससे आपका सारा गोली रिकॉइल हो जाता है। एंड गाइस आपका यहाँ पे हेडशॉट तो छोड़ो, आपका यहाँ पे बॉडी शॉट भी नहीं लगता। गाइस आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर के मोंटेज वीडियो में देखा होगा कि गाइस उनका जो फायर बटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे रहता है। सो गाइस हमारे ट्रिक नंबर 4th यही है, अगर आपको एकदम ओपी हेडशॉट मारना है तो उसके लिए आपको आपका जो फायर बटन होता है उसको आपको रिप्लेस करके थोड़ा नीचे कर देना है। सो गाइस फायर वाले बटन को नीचे रखने से होता क्या है, आपके हाथ को ज़्यादा स्पेस मिलता है ड्रैग करने के लिए। एंड गाइस अगर आप अपने फायर वाले बटन को नीचे रखने के बाद थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो तो आपका एम एनिमी के हेड पे जाके ही लगता है। गाइस आप सभी को पता है अगर हमें एकदम ओपी हेडशॉट मारना रहता है तो उसके लिए हमारा सेंसिटिविटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो गाइस ट्रिक नंबर 2 हमारा यही है, अगर आपको एकदम ओपी हेडशॉट मारना है तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो गाइस सेंसिटिविटी है उसे आपको 100 कर देना है। लाइक गाइस आपका जनरल सेंसिटिविटी, आपका 2x सेंसिटिविटी, आपका 4x, एंड गाइस आपका जो एडोलम सेंसिटिविटी है, मतलब कि गाइस आपका जितना भी सारा सेंसिटिविटी होता है उसे आपको यहाँ पे 100 कर देना है। सेंसिटिविटी 100 करने से गाइस होता क्या है, आपका स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा रोटेट करता है, जिस वजह से गाइस होता क्या है आपका मूवमेंट बढ़ जाता है। एंड गाइस आप खुद ही सोचो, जब आपका यहाँ पे मूवमेंट बढ़ जाएगा एंड उसके बाद अगर आप हेडशॉट मारोगे तो उसके बाद आपका हेडशॉट ऑलवेज फास्ट ही लगेगा। गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विक्की भाई मेरे फ़ोन का रैम काफ़ी ज़्यादा कम है, लाइक मेरे फ़ोन का रैम 2 या फिर 3 GB है, जिस वजह से मेरे फ़ोन का सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब कि अगर मैं अपने फ़ोन का सेंसिटिविटी 100 भी कर देता हूँ तब जाके भी मेरे फ़ोन का स्क्रीन रोटेट नहीं होता, मैं अगर अपने फायर वाला बटन को ड्रैग भी करता हूँ तभी भी मेरा एम एनिमी के हेड पर नहीं जाता। सो यहाँ पर मुझे सलूशन बताइए, ऐसा गाइस मुझे लोग बोलते हैं। सो गाइस जिनके साथ ऐसी दिक्कत होती है, जिनके फ़ोन का रैम कम है, तो गाइस वो क्या कर सकते हैं, वो गाइस यहाँ पर DPI यूज़ कर सकते हैं। गाइस DPI क्या होता है इसके बारे में गाइस मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज गाइस DPI एक अच्छी चीज़ नहीं है आपके डिवाइस के लिए। एंड गाइस यहाँ पे इस चीज़ को बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ भी करते हैं, बट गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ, अगर गाइस आपके फ़ोन का मतलब कि सेंसिटिविटी कम है तो गाइस आप यहाँ पे अपने DPI को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज गाइस आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है DPI को यूज़ करने की। DPI गाइस उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता, ये आपके डिवाइस को हार्म भी कर सकता है। तो भाई लोग मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि विक्की भाई मुझे आपके साथ गेम प्ले करना है, मुझे आपके फ्रेंड लिस्ट पे आना है, तो मैं क्या करूँ। तो गाइस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उनको कुछ नहीं करना, मैं गाइस उनको अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। एंड गाइस वहाँ पे जाके मुझे टैग करो अपना UID, या फिर गाइस डायरेक्टली मुझे अपना UID मैसेज करो, मेरे को गाइस जिस भी बंदे का UID अच्छा लगेगा मैं गाइस उसे खुद रिक्वेस्ट भेज दूंगा। सेंसिटिविटी के बाद गाइस हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो गाइस हमारे हेडशॉट लगने में इम्प्रूवमेंट करता है, वो गाइस हमारा होता है फायर बटन साइज। यस गाइस आपने एकदम सही सुना, अगर गाइस आपको एकदम ओपी हेडशॉट मारना है तो उसके लिए आपको आपका जो फायर बटन होता है इस पर आपको ध्यान देना रहेगा। अगर गाइस आपने अपने फायर बटन साइज को अपने डिवाइस के हिसाब से मैनेज कर लिया तो गाइस आपका यहाँ पे आपका हेडशॉट रेट है पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे फायर बटन साइज का काफ़ी ज़्यादा सिंपल फंडा होता है, अगर गाइस आपके फ़ोन का रैम काफ़ी ज़्यादा कम है तो गाइस आपका जो फायर बटन साइज है इसको आपको छोटा कर देना है। एंड गाइस आपको इसके साइज को ऑलवेज अप्रोक्स 30-40 के बीच पे रखना है। एंड गाइस अगर आपके पास एकदम अच्छा फ़ोन है, लाइक अगर आपके पास आईफोन है, फिर OnePlus का फ़ोन है, फिर गाइस सैमसंग का कोई हाई एंड डिवाइस वाला फ़ोन है, तो गाइस आप क्या कर सकते हो, आप अपने फायर बटन साइज को बड़ा रख के गेम प्ले कर सकते हो। अच्छे डिवाइस में गाइस होता क्या है, फायर बटन साइज का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता। जैसे कि गाइस अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मैं आईफोन पर खेलता हूँ, सो गाइस अगर मैं आईफोन पर अपना फायर बटन साइज को 100 रख के भी गेम प्ले करता हूँ तो गाइस मेरे यहाँ पे हेडशॉट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
गाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब भी गाइज वो हेडशॉट मारने जाते हैं, स्पेशली गाइज जब वो वन शॉट हेडशॉट मारने जाते हैं तो वो ऑलवेज ऐसे कंटिन्यूस गोली चलाते हैं। मतलब कि गाइज अगर उनके सामने एनिमी होता है तो गाइज वो वन शॉट मारने की जगह वो अपने गन से कंटिन्यूस 7-8 गोली निकाल देते हैं। एंड गाइज वो सोचते हैं अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरा एक ना एक गोली जाके एनिमी के हेड पर जाके लग जाएगा। सो गाइज आप यहाँ पर इस बात को समझो, अगर गाइज आपको 7-8 गोली चलाना ही है तो गाइज आप इसे वन शॉट क्यों बोल रहे हो, इसे तो गाइज आप ड्रैग शॉट बोल सकते हो ना। इसी वजह से गाइज अगर आपको यहाँ पे वन शॉट मारना है तो गाइज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही गोली चलाना है, आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा गोली नहीं चलाना। अगर गाइज आप यहाँ पे एक से ज़्यादा गोली चलाओगे तो गाइज वो आपका वन शॉट नहीं कहलाएगा, वो आपका यहाँ पे ड्रैग शॉट बन जाएगा। एंड यहाँ पे कंटिन्यूस गोली चलाने का यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि गाइज अगर आप कंटिन्यूस गोली चलाते हो तो आपका सारा गोली रिकॉइल हो जाता है, आपका गोली एनिमी के हेड पे जाके नहीं लगता। एग्जांपल के लिए गाइज आपने देखा होगा जब गाइज आप शॉटगन की 7-8 गोली एक साथ चला देते हो तो गाइज उनमें से 3 या फिर 4 गोली रिकॉइल हो जाती है। इसी वजह से अगर आपको यहाँ पे वन शॉट मारना है तो वन शॉट मारने के लिए आप कभी भी गाइज 7-8 गोली एक साथ नहीं चलाना, आपको ऑलवेज एक ही गोली चलाना है। तो गाइज अगर आपको अपने एनिमी को स्पीड में हेडशॉट मारना है तो उसके लिए गाइज आपको ऑब्वियस सी बात है अपने एनिमी को पीक देना पड़ेगा। मतलब कि गाइस आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं नूब हूँ। एंड गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने एनिमी के सामने जाके थोड़ा पीक देना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड गाइस जैसे ही आप अपने एनिमी को पीक दोगे एंड आपका एनिमी आपको मारने जाएगा तो गाइस आपको तुरंत वन शॉट मारना है। एंड वन शॉट मारने के बाद ग्लू वॉल लगाना है। एंड गाइस अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो गाइस आपको वन शॉट मारने के बाद अपने कवर में आ जाना है। सो गाइज अगर आपको यहाँ पे अपने एनिमी को एकदम स्पीड में हेडशॉट मारना है तो गाइज उसके लिए आपके पास एक अच्छा डिवाइस भी होना चाहिए। ये गाइज मुझे यहाँ पे बोलना नहीं चाहता बट मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज गाइज मेरे पास 2 फोन है, एक तो गाइज मेरे पास आईफोन है एंड गाइज दूसरा मेरे पास वन प्लस है। सो यहाँ पे गाइज जब मैं दोनों फोन में गेम प्ले करता हूँ तो यहाँ पे गाइज जब मैं वन प्लस में गेम प्ले करता हूँ तो मेरा फोन थोड़ा लैग मार के चलता है, जिस वजह से गाइज मैं यहाँ पे अपने स्पीड वन शॉट को परफॉर्म नहीं कर पाता। एंड गाइज अगर मैं वहीं पे जब आईफोन में खेलता हूँ तो गाइज आईफोन में तो गेम आप सभी को पता है एकदम मक्खन चल रहा है, सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइज अगर मैं जब मैं आईफोन में गेम प्ले करता हूँ तो मेरा यहाँ पे हेडशॉट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। एंड गाइज वो जो हेडशॉट लगता है वो दिखने में भी काफ़ी स्पीड में होता है। इसी वजह से गाइज मैं लो रैम डिवाइस वालों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि 1 या फिर 2 GB के रैम में खेलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं भी गाइज पहले 2 GB रैम के मोबाइल में खेलता था, मुझे पता है गाइज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है खेलना ऐसे रैम के डिवाइस में। इसी वजह से मैं गाइज उन सभी को सैल्यूट करता हूँ एंड उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। इसी वजह से गाइज अगर आप जब भी कस्टम खेलते हो किसी के साथ एंड जीतते हो या फिर हारते हो तो सामने वाले बंदे को गाइज कभी भी डिसअपॉइंट मत करना बिकॉज गाइज क्या पता उनके पास लो रैम का डिवाइस हो, आप तो गाइज 4 GB रैम के मोबाइल में खेल रहे हो, क्या पता उनके पास 2 GB रैम का मोबाइल हो एंड इसी वजह से उनका गेम प्ले सही नहीं हो रहा हो। इसी वजह से गाइज कभी भी किसी के भी स्किल का अंदाजा उनके डिवाइस से मत लगाना। आई होप गाइज आपको हमारा याला वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज अगर आपको हमारा याला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि गाइज आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचाऊँ। तो चलो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल लव यू, पीस आउट।